नमस्कार, लेडीज माई चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस तरह का इयरिंग आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान है। तो इसके लिए हमने एंकर का थ्रेड लिया, ये हुक लिया और एक बीड्स लिया, सीजर और क्रोशिया। आप इसके लिए कोई भी दो कलर ले सकती हैं, मैंने ये दो कलर लिया। तो अब देखिए, हम 40 चेन बनाएंगे। अगर इससे छोटा रखना है तो आप चेन कम बनाएं, बड़ा रखना है तो थोड़ा और बढ़ा लें। तो सिंपल सा हमें उल्टी चेन बनाना है। देखिए, इस तरह से 40 चेन हमें बना लेना है। इस तरह से देखिए, हमने 40 चेन बना लिया। अब हम प्रत्येक चेन में तीन तीन डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक, दो, तीन, इस तरह से हर चेन में हमें तीन तीन डबल क्रोचेट बना लेना है। इस तरह से देखिए, सब में हमें तीन तीन डबल क्रोचेट ये पूरी चेन में बना लेना है। इस तरह से देखिए, यहाँ इस पूरे चेन में बना लेंगे। प्रत्येक चेन में तीन तीन डबल क्रोचेट बना रहे हैं। ये देखिए, ये लाइन पूरी हो गई है। अब यहाँ हम धागा कट कर देंगे और ब्लैक कलर का धागा लगाएंगे। ब्लैक कलर का धागा लगाने के बाद, उसके बाद प्रत्येक चेन में हम स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। इस तरह से ये पूरी लाइन स्लिप स्टिच की हम बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक बीड लगा देंगे। आप गोल भी लगा सकते हैं, तो जिस भी साइज में हो आपके पास, आप ये बीड लगा के और धागा को हम कट कर लेंगे। बस हमारी इयरिंग तैयार। धागे को हम एक्स्ट्रा धागे को
कट कर लेंगे और जो भी छोटा बचेगा उसे गोंद से हम चिपका देंगे। अब इसे हम इस तरह से घुमा के इस तरह से देखिए हमने घुमा लिया और यहाँ पे हम अपना हुक लगा देंगे इयररिंग का। इस तरह से देखिए हमारे दोनों इयररिंग कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने जल्दी तैयार हो गए। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।